हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का अध्ययन किया था। दोस्तों, क्या आपने पिछले वीडियो में पूछे इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया? घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का ये सूत्र है, जहां एल, बी और एच क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। हम यहाँ L, B और H की जगहों पर क्रमशः डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इस तरह आगे हल करने पर डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 230 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। अब ठीक इसी तरह से हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया के सूत्र में भी L, B और H की जगहों पर क्रमशः डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। शाबाश दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब चलिए, आज इस वीडियो में हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। मानस, तुम इस सूटकेस के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे हो? अरे नहीं थॉमस, मैं इस सूटकेस के लिए कवर सिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे सूटकेस की इन चार सतहों को ढकने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। मानस, इसका हल हमें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब तुम जानते हो ना मानस? बिल्कुल, इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, सूटकेस एक घनाभ है और तुम्हें केवल इसकी यही खड़ी सतहों को ढकना है। गौर से देखकर बताओ कि ये खड़ी सतहें सूटकेस का कौन सा हिस्सा है। अरे हाँ, ये तो इस घनाभाकार सूटकेस की पार्श्व सतह है। बिल्कुल सही, इसका मतलब इन सतहों को ढकने के लिए हमें जिस कपड़े की जरूरत होगी उसकी माप इस घनाभाकार सूटकेस के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो क्या अब तुम सूटकेस को ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा इसका उत्तर ढूंढ सकते हो? दोस्तों, अगर सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1.5 फुट, आधा फुट और 1 फुट हैं, तो क्या आप इस घनाभाकार सूटकेस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ढूंढ सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। सूत्र पुस्तिका में लिखे सूत्र के अनुसार घनाभ क्यूबॉइड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ये है, जहां L, B और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1.5 फुट, आधा फुट और 1 फुट है। चलो मैं इन नापों को यहाँ L, B और H की जगहों पर लिख लूं। देखो थॉमस, सूटकेस की इन सतहों को ढकने के लिए मुझे 4 वर्ग फुट कपड़े की जरूरत है। शाबाश मानस, लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए तो तुम्हें काफी रुपए लगेंगे। क्या तुम जानते हो कि दर्जी 1 वर्ग फुट कपड़ा 40 रुपए में बेचता है? 1 वर्ग फुट कपड़े के 40 रुपए और सूटकेस के लिए मुझे 4 वर्ग फुट कपड़ा चाहिए, इसका मतलब मुझे कुल 40 × 4 = 160 रुपए लगेंगे। माँ ने मुझे 200 रुपए दिए हैं, तो मैं ये कपड़ा खरीद सकता हूँ। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौटकर तुम्हारे सूटकेस को ढकने के लिए कपड़ा खरीद लें। दोनों दोस्तों ने दर्जी से 4 वर्ग फुट कपड़ा खरीदकर मानस के सूटकेस के लिए सुंदर कवर सिलवा लिया। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ मजेदार उदाहरणों को देखेंगे।